और आइए ब्रेकिंग न्यूज से शुरुआत करते हैं। जंग के बीच लेबनान की बड़ी तैयारी, लेबनान से हो सकता है बड़ा अटैक, इसराइल भी शुरू कर सकता है बड़ा ऑपरेशन। अभी दोनों तरफ से हो रहे हैं हमले, लेबनान से हिजबुल्ला लड़ाके कर रहे हैं अटैक। और दूसरी बड़ी खबर, इजरायली सेना का हमास पर बड़ा खुलासा, साइनाइड वाले हथियारों को लेकर यह दावा किया गया। जंग में साइनाइड वेपन के इस्तेमाल का भी डर अब सता रहा है। हमास लड़ाके से मिले कागज से यह बड़ा खुलासा हुआ है। 7 अक्टूबर के हमले में शामिल था हमास का यह लड़ाका। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, युद्ध में हिजबुल्ला का एक्शन देखने को मिला है। सीमा से सटे इलाके को खाली करने में लगा हुआ है, बढ़ते हमले की आशंका के चलते खाली कराया जा रहा है पूरा इलाका। हिजबुल्ला युद्ध क्षेत्रों से लगातार लोगों को निकालने में लगा हुआ है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, इसराइल हमास में भीषण बमबारी हो रही है। मिस्र के दक्षिण पूर्वी हिस्से के पास ताजा अटैक हुआ है, हमास और इजरायली सेना के बीच झड़प की खबरें हैं। और बड़ी खबर, इजरायली सेना का एक और बड़ा हमला, कब्जे को लेकर दोनों सेनाओं में झड़प की खबर है। झड़प के दौरान हमले को अंजाम दिया गया, फिलिस्तीनी शहर कलकिल्ला में हमले का वीडियो भी आया सामने। और एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, हमास के खिलाफ इसराइल की बड़ी तैयारी सामने आई है। जी हां, हमास के खिलाफ ये बड़ी तैयारी, इसराइल ग्राउंड ऑपरेशन के लिए पूरी तरह से तैयार है, बस ऑर्डर आना बाकी है और ये ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। नॉर्थ गाजा में ये ग्राउंड ऑपरेशन के लिए पूरी तरह से बटालियन तैयार है, सेना को तैनात कर दिया गया है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह टैंक्स जो हैं वो तैनात हैं इस बॉर्डर पर। और बड़ी खबर, इसराइल पर हमास का रॉकेट से प्रहार, गाजा से हमास के लड़ाकों ने दागे कई रॉकेट्स, रिहायशी इलाके को इस बार निशाना बनाया गया है। और एक और बड़ी खबर, हिजबुल्ला का आईडीएफ पर जोरदार प्रहार हुआ है, लेबनान फिलिस्तीन सीमा पर हमले किए गए हैं, आईडीएफ सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है, आईडीएफ सैन्य टावर्स, सुरक्षा कैमरों को भी निशाना बनाया गया। देखिए नई रणनीति है, जो टावर सर्विलांस करते हैं उन टावरों को खत्म किया जा रहा है।